नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर सिरोही जिले के जावाल से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र के प्रजापत धर्मशाला में भव्य मातृ शक्ति का सम्मेलन दलपत पुरोहित के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस दौरान आसपास क्षेत्र से आई सैकड़ों मातृ शक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। एक बार की तो इतना बड़ा हॉल भी छोटा नजर आने लगा। मातृ शक्ति सम्मेलन में दलपत पुरोहित मंडवारिया ने पिछले दिनों क्षेत्र की मातृ शक्तियों को द्वारिका, सोमनाथ, नर्मदा, स्वामी नारायण समेत कई स्थानों के करीब 14 बसों से सुगत दर्शन करवाए थे। इस सम्मेलन में भी दलपत पुरोहित ने मातृ शक्ति को संबोधित करते हुए बताया कि सिरोही विधानसभा क्षेत्र से करीब 1,00,000 माता बहनों को देव दर्शन कराने का लक्ष्य रखा है, जो जल्द पूरा किया जाएगा। इस दौरान यात्रा में शामिल होकर आई माताओं बहनों ने दलपत पुरोहित को फूलमाला से लाद कर उनका खूब आभार व्यक्त कर शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान दलपत पुरोहित ने हमारे संवाददाता रमेश टेलर से वार्ता भी की। तो आइए सीधा रुख करते हैं दलपत पुरोहित की ओर। हम इस समय उस शख्सियत के साथ में खड़े हैं जो सिरोही सिंहवेज विधानसभा क्षेत्र की करीब 1,00,000 महिलाओं को देव दर्शन करवाने का लक्ष्य रखा है, और हमारे साथ में इसमें दलपत जी पुरोहित। हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यह प्रेरणा कहाँ से मिली। ये प्रेरणा तो मेरे को मेरे माताजी से मिली। ये 15-18 साल पहले की बात है, जब हमारे परिवार की ऐसी स्थिति थी कि देव स्थान दर्शन करने जाने की इच्छा तो होती थी, लेकिन व्यवस्था नहीं थी आर्थिक रूप से, इसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। तो जैसे जैसे थोड़ी हमारी स्थिति अच्छी हुई, तब माताजी ने एक मुझे बात कही थी कि अगर आप के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तो आप जो भी महिलाएं ऐसी हो, जो परिवार ऐसा हो जो दर्शन करने नहीं जा सकता, उनको एक बार द्वारका ठाकुर जी के दरबार में जरूर लेके जाना। तो मेरे मन में वो कब से था, व्यापार में और दूसरे समाज सेवा के कामों में ज़्यादा व्यस्त होने से ये प्लानिंग बन नहीं रहा था। तो अभी जैसे ही मुझे ये मालूम हुआ कि अपने इलेक्शन भी आ रहे हैं और मैं बीजेपी से हूँ, तो वैसे भी बीजेपी पार्टी की मजबूती कैसे हो, तो हमने ये सोचा कि देव स्थान के दर्शन भी हो जाएंगे, मेरा संकल्प भी पूरा हो जाएगा, और इसी बहाने मैं लोगों के संपर्क में भी रहूँगा और कैसे भी करके बीजेपी में वोट डाइवर्ट हो तो वो भी मेरा लक्ष्य होगा। तो इसके साथ साथ मेरे एक पन दो काज हो जाएंगे, सेवा का भाव भी है और साथ में बीजेपी की पार्टी मजबूत भी हो, ये भी मेरा विचार है। लगभग आपका लक्ष्य कितनी महिलाओं को देव दर्शन करवाने का है? ये मेरा पहले तो हमने 100 बसों का टारगेट किया था, लेकिन फिर हमारे गुरु महाराज जी से बात हुई और फिर उन्होंने कहा कि वैसे ही अपने तो सेवा करनी है तो दूसरी जगह भी सेवा देते हैं, तो हमने इसी लक्ष्य को बढ़ा दिया। अब हमारा ये लक्ष्य है कि सिरोही सिंहवेज विधानसभा की ऐसी कोई महिला बाकी नहीं हो जो द्वारका के दर्शन जिन्होंने नहीं किए हो। अभी 1,00,000 महिलाओं का टारगेट है हमारा, धीरे धीरे करके उसको पूरा करेंगे। अभी पहला चरण पूरा हुआ है जिसमें 14 बसें थी, 1,000 माताएं थी, 1,800 और कुछ ऊपर माताएं थी और बाकी कार्यकर्ता थे, और अभी हमारा सेकेंड फेज की तारीख अभी 2-4 दिन में तय हो जाएगी। तो ऐसे करके 1,00,000 महिला का है टारगेट, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई बाकी नहीं रहे विधानसभा से, ऐसी कोई महिला बाकी नहीं रहे जो दर्शन करने जाना चाहती हो लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था है नहीं, तो उनको हम ले जाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आपने सिरोही सिंहवेज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है, तो आप कितने आश्वस्त है इसको लेकर? ये टिकट के लिए हमने तो की है, मांग तो की है, आवेदन दिया है, और विश्वास भी है कि हमारे सेवा का भाव है और हमें तो समाज की गौ माता की सेवा करनी है। मेरा संकल्प है कि गौ माता के लिए कोई ऐसा मजबूत कानून बने जो कम से कम ये गौ माता रोड के ऊपर घूम रही है, तो हमारा ये संकल्प है कि एक बार सिरोही सिंहवेज विधानसभा जो है उस विधानसभा में कोई भी ऐसा विधायक बने
कि कम से कम इस विधानसभा में गौ माता कोई रोड के ऊपर ना घूमे, उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि ये डेमो जो बनेगा वो पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे करके उसकी प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने संकल्प लिया है गौ माता का, तो हमें ठाकुर जी के और गौ माता के ऊपर पूरा भरोसा है कि पार्टी हमारे ऊपर एक बार विश्वास जरूर करेगी। और हमें अगर मौका मिलेगा तो मैंने तो ये तय किया हुआ है कि हमें पूरी मतलब गौ माता और उसके लिए सेवा ही करनी है, ये हमारा संकल्प है। ऐसा है कि अगर पार्टी जिसको भी टिकट देगी तो हमें तो पूरा उनके साथ रहना है, पूरी ताकत से रहना है। और बीजेपी का विधायक कैसे बने इस सीट के ऊपर, ये हमारा पूरा लक्ष्य रहेगा और हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बीजेपी परिवार में से कोई व्यक्ति इधर उधर ना जाए, सबको साथ हम लेके और बीजेपी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के विधायक को जीता के लाएंगे। धन्यवाद।